हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी ए रतन राजपाल, फैकल्टी ऑफ रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेरे ओपिनियन के बारे में कि मेरा ओपिनियन क्या है दिसंबर 21 एग्जाम के उस ट्वीट पर जो अभी अभी कुछ टाइम पहले पप्पन भाई ने, काउंसिल मेंबर ने अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट पे किया है। आओ दोस्तों, मैं आपको अपना एक्सपर्ट ओपिनियन बताता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, सोशल मीडिया, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल हो या किसी भी काउंसिल मेंबर का पर्सनल ट्विटर या यूट्यूब चैनल हो, वो केवल एक विचार है, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट जो सोच रहे हैं वो आप कमेंट में जरूर बताना, वीडियो के। लेकिन एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको भी ईच एंड एवरीथिंग थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना होगा। अब बात करते हैं एंड उस ट्वीट के ऊपर आपसे डिस्कस करते हैं। आओ एक सेकेंड, मैं आपको बहुत मीनिंगफुल चीजें डिस्कस कराने वाला हूं। आइए मेरे साथ, क्या है ट्वीट देखो। Dearest ones, rest assured, coming back after a gap, यहां तक की बात क्या है मैं बताता हूं। दोस्तों आपको पता है, जैसे कुछ टाइम पहले ये मांग उठने लगी थी कि CMA की ऑफिशियल चीजें काउंसिल मेंबर के ट्विटर अकाउंट से नहीं आनी चाहिए। मेरे को लगता है हमारे रिस्पेक्टेड काउंसिल मेंबर ने जो लास्ट नोटिफिकेशन मींस कि जो एग्जाम है 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, वो नोटिफिकेशन अपने ट्विटर पे अपलोड नहीं की, तो उसी को स्टार्ट करते हुए इन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, हम दोबारा एक गैप के बाद वापस आ रहे हैं। स्टूडेंट्स फीडबैक इज लिसन बाय अस। स्टूडेंट की ड्यूरिंग द सोशल मीडिया जो भी डिमांड उठ रही है वो हमने देखी सुनी। अब ये कहते हैं स्टूडेंट के फेवर की बात, विल डू द नीडफुल रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न कंसर्न। दोस्तों एक बात तो क्लियर है इस इंटरप्रिटेशन से, मैं बताता हूं कि अभी भी एग्जाम तो ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगे एज पर दिस ट्वीट, क्योंकि एग्जाम पैटर्न कंसर्न की बात हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन की अभी बात नहीं हो रही। और विल डू द नीडफुल रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न कंसर्न, तो एग्जाम पैटर्न में जो भी लिटिल बिट चेंज है वो आपको देखने को मिल सकता है। एंड टाइम ब्लॉक विच यू ऑल आर वरिड। अब इस टाइम ब्लॉक के ऊपर दो इंटरप्रिटेशन है। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, टाइम ब्लॉक जो मॉडल टेस्ट पेपर में जो रिप्रेजेंट करता है एग्जाम पैटर्न को, कि जो फर्स्ट 40 मार्क्स हैं, उसकी जो टाइम ब्लॉक विंडो है 50 मिनट,
एक तो वो पॉइंट है इस टाइम ब्लॉक का इंटरप्रिटेशन, दूसरा जो सीए और सीएस के एग्जाम है वो भी टाइम ब्लॉक हो चुका है, कुछ स्टूडेंट का एग्जाम फिलअप करके वहां पर, और जो एग्जाम क्लैश हुए हैं वो भी एक इशू है। लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट एक रिस्पेक्टेड बॉडी है, अगर उसने 8 दिसंबर से नोटिफिकेशन इशू किया है तो सारे रूल एंड रेगुलेशन को स्टडी करके ही इशू किया होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आना पिछले 3-4 बार से पोस्टपोन होने के बाद नोटिफिकेशन का आना, तो मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट सारी चीज कंसीडर करने के बाद ही नोटिफिकेशन को इशू किया होगा। नोटिफिकेशन से पहले ही उसे पता होगा कि सीए और सीए के एग्जाम के साथ ये क्लैश हो रहे हैं, फिर भी नोटिफिकेशन आने का ये क्लियर हिंट है कि एग्जाम एज पर शेड्यूल होंगे। मैं एज ए टीचर सभी स्टूडेंट को कहूंगा अपनी स्टडी करते रहें, पोस्टपोन की बिल्कुल भी बात और विचार मन में ना लाएं। 100% ये चांसेस हैं कि एग्जाम एज पर शेड्यूल 8th of December से होंगे तो होंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट फर्दर पोस्टपोन करके एक अगेन ब्लैक डे घोषित नहीं करवाना चाहता, जो 21 अक्टूबर के एग्जाम को मर्ज एंड कैंसिल करके उसने किया था। उस दिन आपने देखा था सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें उठने लगी थी, एग्जिस्टिंग सीएमए मेंबर भी अपनी आवाज उठाने लगे थे। तो मेरा मानना है एग्जाम एज पर शेड्यूल होंगे, और लेकिन यहां पर जो टाइम ब्लॉक की बात की जा रही है, तो दोस्तों इस टाइम ब्लॉक का मतलब है कि फर्स्ट 40 मार्क्स के लिए, फर्स्ट 40 मार्क्स के लिए जो 50 मिनट की विंडो है, फर्स्ट 40 मार्क्स के लिए जो 50 मिनट की विंडो है, यहां पर उस टाइम ब्लॉक में कुछ रिलैक्सेशन देने की बात हो रही है। तो कहने का मतलब सिंपल, और फाउंडेशन वालों को बोला गया है आप एग्जाम की नोटिफिकेशन का वेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है, अभी तक की सारी वर्किंग देखते हुए एग्जाम ऑनलाइन होने जा रहे हैं, फ्यूचर में क्या हो जाए वो नहीं पता। और दूसरी बात, एग्जाम पैटर्न में कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, और जो 50 मिनट टाइम ब्लॉक वाली लिमिट है वो भी आपको हो सकता है टाइम ब्लॉक इंक्रीज किया जाए, एंड आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। अब आप कहोगे सर ये 50 मिनट वाली विंडो खत्म नहीं कर सकते? देखो मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या है, एक सेपरेट विंडो देने के पीछे जो पर्पज है ना, वो पर्पज ये है कि फर्स्ट 40 मार्क्स का पेपर ऑटोमेटिकली चेक हो जाए थ्रू सॉफ्टवेयर, थ्रू सिस्टम, उसमें मैनुअल चेकिंग की रिक्वायरमेंट ना हो, इसलिए उसे सेपरेट विंडो बनाया जा रहा है। और रेस्ट 60 मार्क्स जो सब्जेक्टिव है वो मैनुअली चेक हो, जिससे कि फ्यूचर का टाइम थोड़ा सेव हो। इस तरह का लॉजिक हमें यहां पर समझ आता है। लेकिन लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, एग्जाम अभी भी एज पर दिस ट्वीट ऑन शेड्यूल होने के चांस हैं। आप अपनी स्टडी करते रहें, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और एक बात और,
इसके ऊपर एक मेंबर ने वेलकम बैक सर, मोर पावर टू यू, तो इन्होंने इनका रिप्लाई किया, यू नो व्हाई आई वाज साइलेंट। राकेश सिंह सर एंड बलविंदर सिंह सर इसको ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो दैट मीन्स कुछ इंटरनली मीटिंग में बातें उठी होंगी कि आप ऑफिशियल चीजों को क्यों पर्सनल पे लाते हैं। तो इनका पर्सनल मामला है, वो चलता रहता है यार। भारत एक राजनीतिक देश है, राजनीतियां बच्चों के खून खून में है, तो ये चलती रहती है बातें। लेकिन राजनीति शिक्षा पर हैवी ना हो, ऐसा एक टीचर का मानना है। और स्टूडेंट, आप अपनी स्टडी करते रहें, एग्जाम एज पर शेड्यूल ही होंगे। दोबारा पोस्टपोन करके इंस्टीट्यूट अपनी हाय हाय अब नहीं करवाना चाहेगा। बाकी आप अपने कमेंट लिखें एंड अपने सजेशन लिखें। यही आवाज जो सोशल मीडिया पे हम उठाते हैं, वही आगे तक पहुंचती है जिसके रिएक्शन ये आने शुरू होते हैं। मैं आपका दोस्त ये नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय।